स्वराज एक्सप्रेस मैं हूं आपके साथ बुशरा। सबसे पहले खबर आपको बता रहे हैं जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2020-21 का वार्षिक बजट पेश किया। बजट में इस बार शिक्षा कर्मियों को बड़ी राहत दी गई है। 16,000 शिक्षा कर्मियों का संविलियन होगा। 2 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले शिक्षा कर्मियों का 1 जुलाई 2020 से संविलियन प्रारंभ होगा। बजट भाषण में सीएम ने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ग्रामीण कृषि पर आधारित है, कृषि किसानों के विकास पर बजट केंद्रित है। सीएम बघेल ने बताया है कि राज्य सरकार ने 17,34,000 किसानों को कर्ज माफ किया। उन्होंने कहा कि बजट में युवा पीढ़ी का खास ध्यान रखने की बात कही। बस्तर में उन्होंने कुपोषण से जंग लड़ने के लिए परिवारों को गुड़ और चना देने का ऐलान भी किया। इसके लिए बजट में 171 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। बस्तर में फोर्टिफाइड चावल दिया जाएगा, जिसमें राजीव मितान योजना के लिए 50 करोड़ का आवंटित किए गए हैं। बेमेतरा में दूध डेयरी की स्थापना भी होगी। वही रायपुर बजट में बस्तर और सरगुजा में नई सिंचाई परियोजना आने की संभावना।